के सामने कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों राज्यों के बीच में मोहन यादव की मौजूदगी है, गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी है, एमओयू किया जा रहा है। और देखिए श्रम शक्ति भवन, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, जहां पे देखिए बैठक के दौरान दोनों राज्यों के बीच में एमओयू और अंदर की बैठक की तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश का मैं स्वागत करती हूं। साथ में मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश सरकार तथा इन दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों का भी स्वागत करती हूँ। आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की तर्ज पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमांत जिलों में सिंचाई तथा पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हेतु मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों तथा केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है। इस लिंक परियोजना के अंतर्गत दोनों राज्यों में कुल 5.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने के अलावा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों तथा मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों में पेयजल एवं औद्योगिक उपयोग हेतु पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना चंबल बेसिन के उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर रूप से उपयोग करने में मदद करेगी। संशोधित पीकेसी लिंक के विभिन्न घटकों को दोनों राज्यों के परामर्श से डीपीआर चरण में तैयार किया जाएगा। तो ये एक खास दिन है और इस खास अवसर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी श्री मोहन यादव जी से कि वो अपना विचार हमारे साथ। माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान भजनलाल जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, वास्तव में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करती है, ये उसका आज सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सबके सामने आ रहा है, जिसके माध्यम से दो राज्यों के बीच लगभग 20 साल से लंबी एक परियोजना जो सभी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के काल में प्लान की गई थी 2003 के आसपास, काल के प्रवाह में 3 से 4 और 4 से 13-17 लगातार कई कई कारणों से बीच में संगीत की भाषा में आरोह अवरोह करती रहती और लजती सुलझती, लेकिन सौभाग्य की बात है हमारे यशस्वी जल शक्ति मंत्री ने इसकी पहल की और हमारे अपने माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी लेकर के उत्साह दिखाया और मध्यप्रदेश का भी इसमें पूरा योगदान है। और खास बात यह है कि इसमें दोनों राय ये जो हमारे लिए विकास की दरकार के लाइन में खड़े थे, हमारा चंबल का बेल्ट जो आमतौर पर खेती के दृष्टि से और ग्वालियर शिवपुरी मुरैना द मालवा का राजगढ़ से निवाड़ का इलाका तक हमारा अपना जो बेल्ट है, जिसमें इसके आधार पर न केवल हमारी जल से सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी बल्कि औद्योगिक निवेश पर्यटन का क्षेत्र और तमाम दूसरे विकास के बहुत सारे संस्थानों को एक मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर हमारी जो नर्मदा परियोजना है उसको भी इसकी मदद मिलेगी, क्योंकि अन्यथा उसके अभाव में हमको यहाँ से बहुत लंबे दूर तक सारी ताकत लगा करके भी वो प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे जो करना चाहिए था। जैसे मैडम ने कहा कि 13 जिले आपने बताए, लगभग 13 ही जिले हमारे मध्यप्रदेश के भी आ रहे हैं जिसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर मालवा और हमारे चंबल की बेल्ट में बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलेगा। और ये इतना सुखद मौका है कि एक तरह से माननीय मोदी जी की जो कल्पना रहती है कि कोई काम करना तो त्वरित गति से होना चाहिए, माननीय मंत्री शेखावत जी से मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि तुरंत जितने जल्दी हो सके, और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया कि आप आए तो आज ही हम जयपुर में भी अपने कुछ आपस में दोनों राज्यों के कुछ मतभेद थे, उन मतभेद को लेकर के हमने आज हमारी प्रयास किया है। और मुझे इसका सुखद संदेश ये मिल रहा है कि हमारे दोनों के बीच में कुछ
जिन मुद्दों पे असहमति थी, माननीय मंत्री जी ने सहमति लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और अब हम दोनों राज्य अपने अपने राज्यों का भला करते हुए कुल मिलाकर के देश हित में एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं जिससे बहुत बड़ी संभावना खुलेगी। सर पर अपनी सरकार की ओर से, हमारे अधिकारियों की ओर से, आम जनता की ओर से आपका आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये परियोजना अपने निर्धारित समय के अंदर ही पूरी होगी और इसका लाभ हमसे उठाएंगे। मिनिस्टर राजस्थान, आप अपना विचार हमारे साथ साझा करें।